अल्मोड़ा में आज पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 136वीं जयंती पर कोसी कटारमल में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुनील नौटियाल ने कहा कि संस्थान के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं, जिसमें प्रमुख उद्देश्य है हिमालय के पर्यावरण व आर्थिक संरक्षण पर शोध करना, जैव विविधता का संरक्षण, हिमालयी क्षेत्र में जल संरक्षण की वृद्धि करना एवं जलवायु परिवर्तन में बदलाव के कारण हो रहे प्रभाव के अनुसार स्थानीय लोगों को ढालना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व है। उसके साथ ही दीर्घकालीन पर्यावरण संरक्षण के लिए हिमालय के संवेदनशील जैव विविधता पर काम हो रहा है। लद्दाख से लेकर नेपाल, भूटान सहित अन्य देशों के साथ भी इस पर भागीदारी हो रही है। प्राकृतिक संसाधनों का लोगों को लाभ देने के लिए उद्देश्य भी विभिन्न संस्थानों के साथ काम कर रहा है। नीति आयोग ने भी संस्थान को विकास का मॉडल तैयार करने का दायित्व सौंपा है। संस्थान ने 2022 में 185 शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुके हैं। मिशन 2024 तक संस्थान को हिमालय प्रबंध का लक्ष्य प्राप्त करना है। अल्मोड़ा से सोनू सीजवाली की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। हमारा आज का जो प्रोग्राम है, जो अभी हमारे जो व्याख्यान दे रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद लतीफ खान, उनका जो टॉपिक है कि जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जो हमारे यहाँ पर हितधारक हैं, हमारे समाज हिमालय में, उनके ज्ञान को हम अपने मुख्य विज्ञान में कैसे जोड़ें ताकि हम अपने संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, एक। दूसरा, वनों का संवर्धन हो सके, दो। और तीसरा, यहाँ के निवासियों की आजीविका की वृद्धि भी हो सके। तो एक सतत परिदृश्य में वो अपना लेक्चर दे रहे हैं और हमारा संस्थान भी इसी दिशा में कार्य कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया भी था। और आज की के परिदृश्य में, आज के बाद जो हमने कार्य करना शुरू किया है अभी कुछ समय पहले, आप देख रहे हैं जलवायु में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों के हिसाब से हमारे सोसाइटी, हमारे समाज के पास परंपरागत ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान इतना अभी कारगर नहीं हो रहा कि वो अपने आप को एकदम से ढाल सके। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि क्लाइमेट स्मार्ट फ्रेमवर्क, हिमालय के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र की जहाँ पर के समाज हैं उनके लिए डेवलप कर रहे हैं। ये इस तरह का पहला कार्यक्रम है पूरे भारत में। क्लाइमेट स्मार्ट फ्रेमवर्क अभी डेवलप हुए नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट ने यह कार्य शुरू किया है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से, एक। दूसरा, हमारा जो संस्थान आज कार्य कर रहा है अल्पाइन में, जो हमने बोला अल्पाइन इकोसिस्टम, जो बुग्याल से, उसकी लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग एंड मैपिंग कर रहा है ताकि जो बुग्याल में जो बहुमूल्य औषधीय पादप है उसका संरक्षण संवर्धन और आजीविका के लिए उसका लिंकेजेस कर सके। आज की डेट में एक सबसे समस्या क्या है कि भारत जैव विविधता का भंडार है, बहुत बड़ा, 36 में से 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे पास है, लेकिन जो ग्लोबल जो हर्बल ट्रेड है उसमें केवल भारत का कंट्रीब्यूशन 4% है। तो हम चाहते हैं कि इसको हम अपने जो हमारे संसाधन हैं उसमें कैसे वृद्धि हो सके ताकि उनका नुकसान भी नहीं हो लेकिन हमारा अंशदान भी बढ़े। तीसरा, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं आज की डेट में, मैंने अभी बताया था, पूरे हिमालय में जो बायोडाइवर्सिटी की मॉनिटरिंग एंड मैपिंग, GIS टैगिंग कर रहे हैं पूरा हिमालय की बायोडाइवर्सिटी, उसका क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं। और दूसरा कार्य कर रहे हैं कि इस जो हमारे पूरे पारिस्थितिक तंत्र से जो सेवाएं मिल रही, इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं, उसका मूल्यांकन करना, कितना मूल्य है उसका, और उस मूल्य का आगे नीति निर्धारकों के पास देना कि ये इतना हिमालय दे रहा है यहाँ की सोसाइटी को, किस तरह से हम इसका रेसिप्रोकेट कर सकते हैं ताकि सोसाइटी को भी सरकार की तरफ से अच्छा फ़ायदा मिले। और आखिरी में जो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं अभी, जो मुझे बोलने की ज़रूरत है ही इसमें, कि सबसे महत्वपूर्ण सेंटर जो मैंने बताया निरंतर के अंतर्गत, वो डिटेल मैंने आपको बताया, भारत सरकार के हमारे जो मंत्रालय है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उन्होंने एक वर्टिकल बनाया है, उसमें सारे मिनिस्ट्री के मंत्रालय के विभिन्न संस्थाओं को रखा है और हमको रखा गया है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के साथ। उन्होंने कोस्ट में बहुत बढ़िया काम किया, देखें कोस्ट में आज की डेट में जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर नुकसान बहुत कम हो गया, काफ़ी डेवलप हो गया, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर दिया। तो हम हिमालय में उनके साथ मिलकर क्या काम कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि जो उन्होंने वहाँ पर किया हम उसको एकदम कॉपी कर सकें, लेकिन अप्रोच को लेकर के यहाँ के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन करके प्रॉपर कैसे यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सके ताकि यहाँ पर भी हम अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने की दिशा में कार्य कर सके। तो यही मैं इस समय बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़।